बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मायदास फूड। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत से रखे, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं दही चना चाट की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इनमें सबसे पहले हमने लिए हैं चने, सफ़ेद चने मैंने लिए हैं 1 कप। इनको मैंने पूरी रात भिगो कर और सुबह मैंने इनको नमक डालकर उबाल लिया था। ये हम लेंगे तकरीबन 1 कप, और 1 कप ही हम लेंगे दही। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 अदद लिया है मैंने बड़े साइज़ का आलू, इसको मैंने उबाल कर और बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और इसमें जाएगी ग्रीन चटनी तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें डालकर अच्छी तरह से पीस लिया था, और इस तरह से मैंने इस चटनी को तैयार किया है। और इसमें जाएगी 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, इसको भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। और इसमें जाएगी 1 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और 2 चुटकी के करीब इसमें जाएगा काला नमक। इसमें हम सुरख मिर्चें और नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसमें जाएगा टमाटर, लिया है मैंने 1 बड़े साइज़ का, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच इमली का पल्प। ये तमाम चीज़ें चाट बनाने में इस्तेमाल होंगी, तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सफ़ेद चने, आलू डालेंगे, और इसमें जाएगी कटी हुई प्याज, सब्ज मिर्चें, और टमाटर। 1 कप के करीब जो हमने दही लिया है, इसको फेंट लिया था अच्छी तरह से, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चटनी, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आखिर में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और काला नमक। इनको भी इसके साथ ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हो चुकी हैं मिक्स, और हमारी टेस्टी और सिंपल दही चना चाट बिल्कुल रेडी है। इसको करते हैं अब हम डिश आउट। तैयार है बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली सिंपल सी दही चना चाट की रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।